साहित्य अकादमी नई दिल्ली और राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज हुआ। ये सेमिनार उर्दू नज्म के नए रुझानात विषय पर आयोजित हो रही है। मुझे बहुत ही प्रिय है आज ही राजस्थान उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी नई दिल्ली दोनों की कोलाबरेशन में एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर उर्दू नज्म के नए रुझानात इस विषय पे एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है। इस तरह का राष्ट्रीय संगोष्ठी फिलहाल ये पहली बार हो रही है इस तरह का, और हम जानते हैं कि ये इस विषय के ऊपर आज और कल कम से कम 15-20 जाने माने लेखक और विद्वान और युवा पीढ़ी भी इसमें शामिल है। इन लोग अपना वक्ता पेश करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको एक एनालाइज करके किताब के रूप में भी लाने का कोशिश में रहेंगे। राजस्थान उर्दू अकादमी और साहित्य अकादमी ने आपसी बाहमी इश्तराक से ये दो रोज़ा सेमिनार जोधपुर में मुनाकिद किया। ये नज़्म का जो सेमिनार है इसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अलाहाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, वहाँ से मकाला निगार आए हैं। कल उनके पेपर्स हैं और वो कल इस बात को अलग अलग टॉपिक के हवाले से, अलग अलग मौजूदात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में 60 के बाद की नज़्म की नौइयत क्या थी और 80 के बाद की नज़्म की नौइयत अब क्या है।